जो होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा उसको, इंडस्ट्री स्लो हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, उन सब के फोन आते रहते हैं, तो जनता को पता चलेगा कि अंदर क्या होता है। फर्स्ट टाइम बिग बॉस OTT, अब देखते हैं क्या होता है। अब जनता भी खेलेगी इसमें, तो जनता को पता चलेगा कि अंदर क्या होता है। अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड, ये बड़े अच्छे शब्द लगते हैं लोगों को। 24 आवर्स लोगों को बड़े अच्छे शब्द लगते हैं, बिकॉज एक बार वो चिपक जाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं जी उस सिनेमा को। बस आई होप कि इतना अनसेंसर्ड और इतना अनफिल्टर्ड ना हो जी। होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा उसको। And I just think that एक हमारे सभ्यता के हिसाब से चले ये OTT, इसलिए मैं इस OTT का पार्ट हूँ। एक्चुअली करण और फारा अवेलेबल नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये OTT करना पड़ा। छोड़ना नहीं भी चाहिए सर, आधी TRP तो आप ही लेके आ जाते हो, बाकी जिसको आप डालते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर से स्टार्ट किया, उसके बाद मॉडल बना, उसके बाद फिल्मों में आया, फिर TV पर आया, और फिर अब OTT। अब ये पता नहीं ये ग्रोथ है या क्या है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म को छू रहा हूँ, और ये सब आपकी बदौलत है। यू नो जियो सिनेमा ने सब धमाका कर दिया था ड्यूरिंग द IPL, ऑल्सो इतने सारे लोगों ने देखा था, दे लव्ड इट, और ये फ्री टू एयर पे जाके आई थिंक हर एक आदमी जो देखना चाहते हैं वो देख सकता है। आई थिंक बिग बॉस भी ऐसा ही है, मतलब मैं किसी को ऐसा नहीं जानता हूँ जिसके कुछ ना कुछ टिप्पणी नहीं होती है। व्हाट आर द काइंड ऑफ रिएक्शंस यू गेट जब आप किसी से मिलते हो? जैसे नॉर्मली लोग जब आपसे मिलते होंगे, आपकी चलो फिल्मों की अगर बात करते हैं, आपको बिग बॉस के बहुत सारे सवाल आते हैं आपके दोस्तों से? इतने आते हैं कि परेशान हो जाते हैं, फोन ऑफ रखना पड़ता है, और हर सीजन के पहले बहुत सारे लोगों का फ़ोन के मुझे बिग बॉस में डाल दो, मुझे बिग बॉस में डाल दो, उनके दोस्तों का फ़ोन, उनके पेरेंट्स का फ़ोन, बहुत सारे, मतलब कि किसी भी फील्ड, इंडस्ट्रियल स्लो हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, उन सब के फ़ोन आते रहते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें आना है। और ये डिसीजन मेरा होता नहीं है, ये डिसीजन है शीतल, मनीषा, एंडमॉल, कलर्स का। तो मुझसे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि सलमान खान एक फ़ोन कर लेगा तो हो जाएगा, सलमान खान इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कलर्स वाले और एंडमॉल वाले बहुत पहले से इन्होंने एक रूल रखा है कि एक रिकमेंडेशन मैंने किया था और उसे नहीं लिया गया, तो फिर मैंने वो रिकमेंड करना छोड़ ही दिया। उसके बाद 4 साल के बाद जिसको रिकमेंड किया था उन्होंने खुद ने उसको बुलाकर उसको कास्ट कर लिया। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.